एक जीवात्मा जीव द्रव्य कैसे कैसे कर्म प्रकृति उपार्जन करता है और कब जाकर के कैसे पर्याय धारण मूल में द्रव्य स्वरूप होते हुए भी कब जाकर के किस प्रकार की पर्याय धारण करे, अब इन पर्याय के आधार पर कभी ये जीव वृक्ष के रूप में, कभी पानी के रूप में, कभी अग्नि के रूप में, कभी वायु के रूप में, कभी पृथ्वी काय के रूप में, कभी दो इंद्रिय, कभी तीन इंद्रिय, कभी चार इंद्रिय, कभी पंच इंद्रिय, कभी देव बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी नारकी बनता है। जीव एक ही, हम जिसको यहाँ जीव कहते हैं मूल में यही आत्मा है और यही आत्मा जाकर के एक द्रव्य के रूप में है। अब वही द्रव्य स्वरूप आत्मा जैसे जैसे कर्म उपार्जन करेगी उस कर्म के आधार पर जाकर वैसे शरीर। अब वो जीवात्मा द्रव्य जब शरीर धारण कर लिया तब उसी पर्याय से पहचानी जाए। संज्ञा पर्याय की बनती है, नाम पर्याय को दिया जाता है, व्यवहार पर्याय का होता है, अंदर द्रव्य चेतन आत्मा ही है, मूल में द्रव्य आत्मा है। अब देखिए आप यहाँ पर जैसे जैसे पर्याय करना पड़े तब यही जीव जाकर पानी के रूप में प्रवाही बना, लिक्विड फॉर्म में, कब यही जीव आकर के पृथ्वी काय के अंदर सॉलिड पत्थर बन गया, कब यही जीव जाकर के अग्नि के रूप में गर्म बन गया, कब यही जीव जाकर वायु के रूप में, हवा के रूप में दौड़ता हुआ हो गया, कब यही जीव जाकर वृक्ष के रूप में ऐसा बना कि जिसके फल फूल पत्ते खाकर के लोग अपना शरीर बनाने। अब ये है संसार, क्योंकि सारा संसार जो चल रहा है वो जीवों की पर्याय के आधार त्रिकाण नित्य शाश्वत द्रव्य आत्मा होते हुए भी एक भी पर्याय में जाकर सदा के लिए स्थिर नहीं रह सकता है और फिर जाकर के उसको शरीर को बदलते ही रहना पड़ता है। अगर जीव यहाँ आ गया तो इसको 22,000 वर्षों का आयुष्य मिल गया तो चलो भाई एक पत्थर में ही जाकर के 22,000 बरस तक रह जाए। आप बैठे ये देखिए नीचे वाइट मार्बल है, अब इस मार्बल की 21,000 बरस की आयुष, लेकिन इस मार्बल में से जो आगे जाकर हीरा रत्न वगैरह बन जाए तो वो 22,000 बरस तक का है। सब पृथ्वी काय के लिए 22,000 बरस ऐसा मत समझना, जिसको हम यहाँ पर आयुष्य के रूप में कहते हैं वो उसके अंदर जो है जगन्य आयुष्य, मतलब जिसको हम मिनिमम कहते हैं वो मात्र अंतर मुहूर्त का ही रहता है। अब जाकर के मध्यम कक्षा का आयुष्य और फिर जाकर के उत्कृष्ट कक्षा का आयुष्य जो बनेगा वो 22,000 बरस का होगा। अगर आपने काली मिट्टी ले ली तो 1,000 बरस का ही आयुष्य, अगर आपने चांदी सोना ले लिया तो 14,000 बरस का ही आयुष्य, अलग अलग प्रकार के, अगर आपने लोहा ले लिया तो 10,000 बरस का आयुष्य, अगर आपने जो है नमक ले लिया तो 1,000 बरस का आयुष्य, जो आप सिंधा नमक आदि हम नमक जो इस समय खा रहे हैं तो ये भी तो पृथ्वी काय के पत्थर की चीज है। अब जीव आया तब तो उसने अपना शरीर बनाया, अब शरीर बनाया तो उसको रॉक सॉल मतलब पहाड़ के अंदर वो पत्थर बनाया, वो जीव तो है ये। अब वो जीव है तो आयुष्य निश्चय नियम क्या है, संसार के अंदर अगर कोई जीव है जिसने शरीर धारण किया है तो आयुष्य को अनिवार्य रूप में रहे, कम रहे ज्यादा रहे जो जिसका जितना बांधा हुआ है उतना। अभी यहाँ पर हम ये बात करें जातिगत आयुष्य, जातिगत मतलब एक जाति में जीव गया तो नेचुरली उसको इतने वर्षों तक तो वहां रहना ही है, एक आयुष्य। अभी एक आयुष्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो इतने वर्षों का हो गया, अब ये फिर मर के उसी में जन्मे, फिर मर के उसी में जन्मे,
अब उसका चित्र जैसा है, तो वो जाकर के हो गया स्वकाय स्थिति। ये देखिए ये नमक है, अब नमक में से जाकर मनुष्य बना, मनुष्य में से आकर मर्क्यूरी के रूप में पारा बना, पारे में से जाकर के लोहा बना, लोहे में से आकर के सोना बना, सोने में से जाकर के स्फटिक के रूप में क्रिस्टल के रूप में बना, अब इसमें से जाकर के वो अलग अलग, ये क्या चल रहा है? स्वकाय स्थिति। पृथ्वी काल में ही रहेगा, पृथ्वी काल से बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन पृथ्वी काल में घूमते घूमते कितना काल जाएगा? और धीरे से बिल्कुल सुनना, और धीरे से। अब ये जीव जो है अगर पृथ्वी काल में ही रहता है तो, और अगर ये केंद्रीय पर्याय में ही रहता है और द्वेंद्रीय में भी न रहे तो, और मात्र वनस्पति काय में रहता है तो वनस्पति काय के अंदर भी सिर्फ जो है वो अनंत काय में ही रहता है तो, अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक अनंत काय के जीवों को परिभ्रमण करना पड़ता है। आलू में से प्याज बनेंगे, प्याज में से शकरकंद बनेगा, शक्कर में से सुरन बनेगा, लहसुन बनेगा, गाजर बनेगा, मूला बनेगा, बार 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 बार। अब अनंत सर्पिणी अवसर्पिणी किसको? कल्पना नहीं कर सकते आपको कितना काम होता है। जबकि यहाँ अगर जीव को पृथ्वी काय की स्वकाय स्थिति में रहना है तो उसको असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, अनंत काल की अपेक्षा इसको बहुत अनंत भाग का कम हो गया। अब कल्पना ये हम नहीं कर सकते हैं कि ये जीव पृथ्वी काय के पत्थर में रहकर ऐसे कैसे कर्म बांधता है, कितने कर्म बांधता है, किस प्रकार के कर्म कैसे बांधता है कि बार बार उसी में जाए, बार बार उसी में जाए, बार बार उसी में जाए, ये कैसे हो सकता? 1000 वर्ष का आयुष्य सिंधा नमक का अंदर से, दूसरे भी रॉक सॉल्ट है, संचल जिन्हें आपने कहे छे, खारो नमक कहे छे, खाली वर्ण गंध रस स्पर्श अलग, लेकिन जितने वर्ण गंध रस स्पर्श अलग हो गए उस हिसाब में भी उस जीव ने जाकर अपना शरीर तो बनाया। क्या करेंगे आप? कोई काला पत्थर बनाए, कोई सफेद पत्थर बनाए, कोई पीला पत्थर बनाए, कोई लाल पत्थर बनाए, अगर जब तक वो पत्थर की जात में, अभी तक रत्न में नहीं आए, लेकिन आप जो रत्न पहनते हो, हीरा है, माणिक है, मोती है, बरवाला है, या भी ध्रुव रत्न है, ये जो भी रत्न पहनते हो तो आयुष्य और भी अलग ही प्रकार, रचना ही अलग प्रकार। रचना मतलब आप जाकर उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, इसमें एक जियोलॉजिकल लैब होती है, मनुष्यों के लिए रक्त मांस तपासने की जो लैब होती है वो अलग, और जियोलॉजिकल लैब होती है वो अलग होती है। उसके अंदर आप जाकर के देखेंगे दिन पत्थरों की डेंसिटी मापी जाती है। अब आपने मसूर का आकार देखा है कि नहीं, कैसा होता है? मसूर के जैसा पृथ्वी काय का आकार होता है, शरीर की रचना वैसी होती है। अब शरीर की रचना वैसी हो तो भी सिर्फ इसके एक हमारी अंगुली हो, इसके असंख्य टुकड़े करो, ये आपको चौक का पीस दिख रहा है, अब इसके असंख्य टुकड़े करो, इतनी छोटी सी इसकी अवगाहना फिजिकल हाइट होती है। अब जगड़ने से जगड़ने भी शरीर की अवगाहना इतनी, बड़ी से बड़ी भी इतनी। आप ये जो पत्थर दिख रहा है कितने एक साथ में असंख्य जीव इकट्ठे होकर के जुड़ गए, आप जैसे एक दूसरे से टच होकर के बैठो, ये एक दूसरे से टच होकर के अपना शरीर इन्होंने बनाते समय साथ में जोड़ दिया। जैसे हमारे यहाँ अगर जॉइंट्स में ट्विंस होते हैं, दो बच्चे गर्भ में ही शरीर जुड़ जाए, तीन बच्चे गर्भ में शरीर एक साथ इकट्ठे जुड़ जाए,
कैसे ये पृथ्वी का है कि जिनके शरीर एक दूसरे से जुड़ते, अब जुड़ते जुड़ते कितने बड़े बन जाए। कोई पत्थर आपको 10 फीट का दिखाई दे, कोई पत्थर आपको 20 फीट का दिखाई दे। आज भी चले जाओ माइंस के अंदर, खदानों के अंदर उतर जाओ, तो आपको पत्थर के जो है बोल्डर जिसको बोलते हैं, स्लैब जिसको बोलते हैं, 10 फीट चौड़े, 20 फीट चौड़े, 25 फीट चौड़े, 30 फीट चौड़े लंबे हैं, 2-2 फीट चौड़े हैं, 20 फीट लंबे हैं। एक बार जो खान खोदी जाए उसमें से एक पत्थर की शिला जो इतनी बड़ी निकले, कैसे निकले? आप पालीतना गए तो बल्लभ भी कुछ जो बीच में आया, अब 23 फुट की उन्होंने आदेश कर भगवान की मूर्ति बनाई। जब मूर्ति बनकर 23 फुट की हुई तो वो पत्थर निकला खान से तब कितना बड़ा था, और वो 32-35 फीट का बड़ा था, और उसके पराठे की चौड़ाई कितनी मिले वहां तक उस मार्ग में मूर्ति बैठ सकती है कि नहीं। तब जाकर के इतनी बड़ी शिला ला करके उसी जगह पर खड़ी करके उसको शिल्प कला से बनाते बनाते 23 फुट की मूर्ति बैठ। अब कहीं आपने 100 फीट की मूर्ति देखी हो? बाहुबली गए हैं आप श्रवण बेलगोला में, वहां बाहुबली की मूर्ति जो है 50-60 फीट की। अब वो मूर्ति इतनी बड़ी है मंदिर की पत्थर की शिला इतनी बड़ी मिली, और ये सब जीव जो है पृथ्वी काय के अंदर अंगूर के असंख्या के भाव से ज्यादा बड़ा उनका शरीर होता ही नहीं है। सिर्फ एक दूसरे से मिल करके जुड़ करके अब कितने जीव साथ में जुड़ेंगे तब जाकर 50-60 फीट का पत्थर बनेगा। असंख्य के सिवाय दूसरी संख्या ही, लेकिन है सभी प्रत्येक, सब अपने एक एक शरीर में एक एक जीव ही है। एक शरीर में दो जीव साथ में इकट्ठे नहीं है, लेकिन इकट्ठे हो गए। अब ये देखिए, ये एक जीव, ये एक जीव, ये अलग, ये अलग, अब ये सब इकट्ठे होकर के पास में आ करके अगर जुड़ जाते हैं, और ये जुड़ करके पूरा आपको एक रूप लगता है, तब जाकर के हमको लगे कि हाँ इतना बड़ा पत्थर एक अखंड दिख रहा है। आप वहां पर भ्रम में पड़ जाओगे कि इतना बड़ा एक जीव है क्या, इसमें एक ही आत्मा है क्या, शरीर ही खाली बड़ा है क्या, ऐसा। अब ये विषय किसका है? केवल ज्ञानी का है। इसलिए केवल ज्ञानी भगवंत ने इसका एनालिसिस किया कि इसके शरीर अपने सिर्फ अंगुल के असंख्या भाग जितने छोटे छोटे ही होते हैं। अब इसके एक के अंदर एक जीव, एक के अंदर एक जीव, जैसे आपने ककड़ी में देखा जितने बीज है उसने अंदर जीव, टमाटर देखा है टमाटर में जितने बीज है उतने जीव, करेला देखा है करेले में जितने बीज है उतने जीव है। आप जो भी देखो तो वहां पर समान एक ही प्रकार का कर्म जिन्होंने एक शरीर का एक जैसा साथ में बांधा है वो एक साथ में आकर के करेले में इकट्ठे हो। अभी करेले में अगर 20 बीज निकल गए, 20 ने इकट्ठे होकर बीज के अंदर सबके अपने अपने जीवन, और करेले का पूरा छाल वाला आवरण जो है वो पूरा सबके अंदर, एक ककड़ी के अंदर इतने कितने कैसे आ गए ये मत सोचो। सबका कर्म एक प्रकार का सामान है, सबको एक ही साथ इकट्ठे होना पड़ेगा, लेकिन है सब स्वतंत्र एक एक चीज है, तब जाकर प्रत्येक आपने दाढ़ी के अंदर देखा, सीताफल के अंदर देखा, रामफल के अंदर देखो, सब बीज अपने आप में एक एक स्वतंत्र चीज है। वनस्पति काय के अंदर की पूरी रचना ही अलग, सबकी पर्यायें अलग अलग प्रकार की बनती जा रही, और सबको लेना क्या है, पुद्गल के गुणधर्म ही लेना है। अब इसके आधार पर आप गणित बैठाइए सीधा, अब सीधे गणित बैठाने जाओ तो यहाँ पर ये जो है, अब ये जीव आया यहाँ पर, ये पृथ्वी काय का जीव है,
अब इसको पुद्गल के अंदर, इसके अंदर कौन कौन से कैसे कैसे गुणधर्म जो है वही इसको लेना है। एक तरफ वर्ण लेना है, एक तरफ गंध है, एक तरफ रस है, एक तरफ स्पर्श। अब कितने हैं वर्ण? पांच वर्ण है। अब गंध कितने हैं, रस कितने हैं, और आठ प्रकार के। अब इनका गुणाकार करते जाओ, कितने हो गए ये सब मिला करके? अब ये आप देखोगे जितने कि ये पुद्गल के 20 गुणधर्म यहाँ पर है। अब 20 के अंदर से आप एक एक के वेरिएशंस निकालो। इन पांच कलर के अंदर एक कलर की डिफरेंस शेड के अंदर कितनी जाप बनती है उतने आप निकालो, हजारों लाखों बन जाएगा। जैसे लाल कलर हमने लिया तो लाल कलर के अंदर एक लाल कलर का डब्बा लेके एक ड्रॉप उसमें व्हाइट डालो, शेड अलग हो गया। दो ड्रॉप व्हाइट के डालो, एक शेड और अलग हो गया। तीन ड्रॉप व्हाइट के डालो, एक शेड और अलग हो गया। अब वो कितने, 1000 ड्रॉप डाला तब रेड का पिंकिश कितना हुआ? अब 2000 ड्रॉप डालो, 10000 ड्रॉप डालो तो कितने होते जाएंगे? नेरोलैक कंपनी, एशियन कंपनी इस समय 2-2 लाख शेड एक एक कलर के बना रहे। अब वो मिक्सिंग कॉम्बिनेशन है। अब मिक्सिंग कॉम्बिनेशन से जितने बनाए, जैसे आपने दूध के अंदर 1 लीटर दूध में 1 कण शक्कर डाले कितना मीठा हुआ? 2 कण डाले कितना मीठा हुआ? 3 कण डाले, 4 कण डाले, 5 कण डाले, 50 डाले, 100 डाले, 200 डाले। एक पेप्सी और कोको कोला की कंपनी एक बॉटल में 200 चम्मच शक्कर डाले। क्यों डालती है? उसमें फिनाइल आ रहा है, उसमें ऐसे घटक तत्व आ रहा है और वो किसी को भी स्वाद में पता न चले, इसलिए पहले से 200 गुने शक्कर डाल। 7 प्रकार के पॉइजन उसमें खतरनाक आए पेप्सी और कोको कोला। अब ऐसे खतरनाक पॉइजन को आप तो डॉक्टर, आप एक काम करेंगे, सभी महिलाओं को कह रहा हूँ, एक कोको कोला की बोतल या पेप्सी की बोतल बाजार से ला करके एक बर्तन में आप उसको उबालने के लिए रख, जस्ट बॉइल, खाली कितनी देर तक आप 15-20 मिनट तक उबालेंगे, जो पानी है उसके अंदर से स्टीम होकर के जब उड़ जाएगा, अब धीरे 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 काला 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 ऐसा, जैसे रास्ते पर डामर की सड़क बनाते ना, डामर की सड़क जैसा नीचे अंदर तपेले में चिपक जाए। अब ऐसा तपेले में वो चिपक जाएगा और उसके बाद में थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। अब वो तपेले में ऐसा चिपक जाएगा, ऐसा चिपक जाएगा कि अब उसको निकालना मुश्किल। एक बॉटल में से होगा कितना, जितने प्रमाण में हो, और वो इतना नीचे चिपक करके अब आप उसकी गंध लोगे तो आपको लगेगा एक तो रस्ते पर के डामर के जैसा ऐसा खाना चिप। अब आप वो उस तपेले से निकाल के बताओ। अब आप कल्पना करो, लोग जो हैं यूं एक एक के एक एक बॉटले पी जाते हैं, वो टीवी पर एडवर्टाइज दिखाते हैं तो लोग पागल हो जाते हैं, वो पी रहा है, वो पी रहा है, वो पी नहीं रहे, वो खाली आपको 1 सेकंड के लिए फोटो दिखाने के लिए यू मूवमेंट लगाई है, वो नहीं पी रहे। और जिसने बेचारे ने एक कंपनी के साथ 500 करोड़ का उसने एग्रीमेंट किया और उसने थोड़ी बहुत बॉटलें पी तो उसकी आंखें पड़ गई, अंदर से उसकी आंखें कटानी पड़ी, वो लंबा लंबा है ना, कोई दिखाई देता है टीवी पर एक्टर, उसकी परिस्थिति ऐसी हालत हो गई, उसको देख करके लोग अगर पीने लग जाए तो क्या हालत हो गई। अगर कभी किसी का बच्चे का दांत गिर जाए तो एक दांत पेप्सी में या कोको कोला की बोतल के अंदर डाल कर रख सकते। आज अगर बुधवार है, आप अगर आज डालते हो तो अगले बुधवार तक वापस उस बोतल में से दांत निकाल सकते। अगले बुधवार तक वो दांत अंदर डिजॉल्व हो जाए। जैसे शक्कर दूध में घुल जाती है, पानी में घुल जाती है,
इतना कड़क मजबूत पत्थर जैसा दांत उसके अंदर डिसॉल्व हो गया, बताइए। इतना खतरनाक अगर ये पेप्सी या कोको कोला और फिर भी अगर लोग पीते हैं तो इससे सिवाय तो मूर्ख के सिवा और क्या कहना। अगर आप घर पर करके देखो, गर्म करके देखो, फिर आपकी आंख खुल जाएगा। अगर शक्कर इतनी ज्यादा नहीं डाले तो दूसरे केमिकल सारे उसमें डिजॉल्व नहीं होते, नहीं तो लोगों की जीभ पर थोड़ा सा भी लग गया तो लोग पीएंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया के अंदर कोई देश इतना पेप्सी और कोको कोला नहीं पीता है जितना हिंदुस्तान में पिया था। अब क्या समझना लोगों को, क्या समझना लोगों? ऐसी स्थिति के अंदर अब बात ये फिक्स हो गई, यहाँ पर ये गणित फिक्स है, शाश्वत रूप में है, इसलिए गणित फिक्स है। वर्ण गंध रस स्पर्श उद्गल के ये चार ही गुणधर्म मुख्य है। और चांद के अंदर पांच प्रकार के कलर्स होते हैं, दो प्रकार की गंध होती है, पांच प्रकार के रस होते हैं, आठ प्रकार के स्पर्श। अब ये तो आपने यूं जोड़ा तो 20 हो गए, अब इनका सबके साथ में परस्पर गुणाकार करो। अगर ये हमने ले लिया पांच प्रकार के वर्ण, अब इसके साथ दो प्रकार के रस से ये गंध से गुणाकार करो, अब इसके बाद जो है पांच प्रकार के वापिस जो है ये रस से गुणाकार करो, और फिर इसके साथ वापिस जो है आठ प्रकार के स्पर्श से गुणाकार करते जाओ। अब ये हम गुणाकार करते जाएंगे तब जब यहाँ से जब पृथ्वी काय के जीव जो आए तो यहाँ के इन पृथ्वी काय जीवों की मूलभूत संख्या जो है वो 350 की आई। अब काय की अग्नि काय की वायु काय की, अब इनके साथ में इनका गुणाकार करते जाओ आप। ये आपने पांच वर्ण लिया, फिर इसके बाद जो संख्या आ रही है उनके साथ दो गंध का गुणाकार करते जाओ। अब जो संख्या आई उसके साथ भी वापिस पांच रस का गुणाकार करते जाओ। फिर जो संख्या आई अब उसके साथ में आठ स्पर्श का गुणाकार करते जाओ। फिर जो संख्या आई अब उसके साथ में पांच प्रकार के संस्थान का गुणाकार करते जाओ। अब ये टोटल आकर के 7 लाख का फिगर आया। ऐसे करके 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अब का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख वायु का है, कैसे इसका पूरा गणित निकलता है। संस्थान, संस्थान जो है ये प्रत्येक शरीर जिसने बनाया ये सब मिलकर के अब ये आगे सब किसके हैं कि वे उद्गल के हैं। अब पुतल के गुणधर्मों से लेकर के हम बराबर गुणाकार के बना रहे हैं। अब ये गुणाकार करके बनाए तो शरीर तो ऐसा ही बनेगा, तो शरीर का संस्थान कैसा बना, आकार प्रकार कैसा बनेगा, तब जाकर के ये सब जीव अलग अलग आपको दिखाई देंगे। इसलिए हमको रोज बोलने में, क्षमा याचना करने में 7 लाख रुपये का है, 7 लाख अब का है, ये सब रोज बोलना पड़ता है। हमारी बुद्धि तो यहाँ तक नहीं पहुँच रही। अब ये केवल ज्ञान से केवलियों ने इतने जीवों को गुणाकार करके इस प्रकार के ऐसे शरीर बनाते हुए देखा, तब जाकर के सबका शरीर बनाए। वैसा शरीर ही नहीं बनता तो क्या करते हैं? अब एक से दूसरे का शरीर पृथ्वी काय में अलग बना। आपने देखा लोहा कैसा बना, आपने देखा सोना कैसा बना, आपने देखा चांदी कैसी बनी। अब लोहा भी धातु है, सोना भी धातु है, लेकिन लोहे के अंदर जितने प्रमाण में अब सब यहाँ से 7 लाख वाले हैं, लेकिन ये जो अगर आपने सोना बना है और अगर ये लोहा बना है तो यहाँ के इतने एरिया 1 mm अगर ये निकाल लेते हैं तो इतने बाद में लोहे के धातु के जीव इसमें कितने हैं?
So due to this, it depends on that type of density. अब ये आपने सोना लिया, अब सोने के अंदर ये जीव यहाँ पर कितने हैं ये देखना है आपको। अब इनकी संख्या के हिसाब से सोने के जीवों के अंदर इतने एक mm विस्तार में संख्या कम है तो ये सोने की धातु में सॉफ्टनेस आई और लोहे की धातु में हार्डनेस। इसी कारण लोहा, अब इधर देखिए थोड़ा सा, ये नीच गोत्र कर्म के हिसाब से इसमें जीवों की संख्या ज्यादा है। पूरी दुनिया में लोहे के जीवों की संख्या बहुत बड़ी रहेगी। ये उच्च गोत्र के अंदर जाएगा, इसके जीवों की संख्या बहुत कम रहेगी। अब इसका इसमें से देखा आपने, इधर देखिए ये वर्ण जो आपने लिया, तो इसका वर्ण कैसा बना, इसका वर्ण कैसा बना। हमारे में जैसे काले गोरे मनुष्य लोग बनते हैं, वैसे लोहा काला बन गया, सोना पीला बन गया, चांदी सफेद बन गई। अब ये इतना कम उत्पादन होता है और ये इतना ज्यादा उत्पादन होता है सोने लोहे का। लोहा जमीन के ऊपर 10-20 फीट में मिल जाता है, सोना 1,000-2,000-10,000 फीट में गहराई में मिलेगा। निकालना कैसे, उसकी सारी इक्विपमेंट साधन प्रक्रिया, सोना इसलिए बहुत महंगा हो गया। इतना सा सोना आपको लाख रुपए का मिलेगा और इतना सा लोहा आपको जो है 100 रुपए में मिल जाएगा। अब ऐसी वस्तुएं जिस तरह से बनती जाएगी, अब महिलाओं को किसी को पता नहीं चलेगा, एक हाथ का कंगन बना दिया, गले का नेकलेस बना दिया, उसके अंदर लोहे के तार अंदर डाल दिए, ऊपर सोना पीला लगा दिया। अब आपको देखेगा 10 लाख का हार है, 10 लाख का हार बोलेंगे आप, लेकिन 10 लाख के अंदर हार के अंदर 9 लाख का तो खाली लोहा ही जा रहा है। अब जिस लोहे की कीमत 100 रुपए भी नहीं है, उसके वो 9 लाख ले रहे हैं और ऊपर से पतला पतला खाली जो है सोना चढ़ा दिया। आप खोल के देखेंगे अंदर, कौन महिला हाथ पहनते समय खोल के अंदर देखेगी, नहीं देखेंगे आप, पता ही नहीं चलता। तो वजन किसका बढ़ा, अब ये संस्थान आ गया, अब इसके अंदर ये आठवां स्पर्श आ गया। स्पर्श में गुरु लघु है कि नहीं, तो किसका लघु स्पर्श होगा, किसका गुरु स्पर्श होगा। इतनी ही चांदी को लेकर तोलिए, इतना ही सोना लेकर तोलिए, इतना लोहा लेकर तोलिए, इतना ही पत्थर लेकर तोलो, किसका वजन बैठेगा, वजन किसका ज्यादा होगा। पत्थर का वजन कितना होगा, लोहे का वजन कितना होगा, और उतने ही प्रमाण में चांदी रख दो तो सोना रख दो तो सोना तुलता है आज कितने में, कैरेट में तुल रहा है, उसको कैसे तोलेंगे मापेंगे। पत्थर जो है आप देख लो तो कितना वजन हो रहा है, वही चीज ला करके आप रत्नों में लाओ, वास्तविक पत्थर को जिस वजन में तोल सकते हो उस वजन में रत्नों को नहीं तोल सकते आप। लेकिन अब जगत के संसार के समस्त जीवों को पृथ्वी काय के बिना चलता ही नहीं है, पृथ्वी काय के बिना घर बनता ही नहीं है। आप तो चूना समझ लो, चूना भी क्या है, पत्थर ही तो है। पत्थर को लाकर भट्टी के अंदर अग्नि में तपा करके गर्म करके पाउडर कर दिया, अब आपको चूने के रूप में दे दिया। हम वो चूना अगर खा रहे हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर हड्डियों में डिपोजिट होता है, वो कैल्शियम का पोषण बन गया, तो वजन बढ़ाने के लिए। लेकिन संसार के अंदर सबके अंदर देखने जाओ तो हमारी मनुष्यों की हड्डियों का वजन बहुत लाइट वेट होता है, हल्का होता है। महिलाओं ने क्या किया है, खा पी करके चर्बी स्टोरेज कर दी, मसल स्टोरेज करके बना दिया, तो वजन हड्डियों का नहीं है, वजन चर्बी और मांस का है। हड्डियां तो बहुत लाइट वेट होती है, हल्की होती है। और इसलिए आज की तारीख में जितनी क्रॉकरी आ गई वो सब हड्डियों का पाउडर बनाकर उसमें से बनाई हुई क्रॉकरी। जब देख लिया कि अब लोग पाटले पर थाली रखकर भोजन नहीं करे, अब इनको खड़े खड़े हाथ में लेकर भोजन करना है,
तो भोजन में जो वस्तु लेंगे उसका भी वजन होगा, उसकी बजाय थाली का ही वजन लोहे के पकड़ा दो तो वो खड़ा खड़ा खा ही नहीं सकेगा। इतनी देर तक इतनी थाली उसको हाथ में पकड़ के रखनी पड़ेगी। उन्होंने जाकर हड्डियों के बर्तन दे दिए, लो भाई खड़े खड़े खा लो। इतने में तुम्हारे डीवी कॉलोनी में आर्मी ने जरा कीधू के आंसू करो, तुम्हें तो आज भी एवरी सफेद चमकती आंसू लाया, लोग को मानवा तैयार ना। ના 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 સર, કેટરિંગનો ઓર્ડર આપ્યો છે, અમારી પાસે ડીશો ક્યાં કાઢે, પાછી ઓછી થઈ જાય તો વાણિયા બુદ્ધિ વાપરી એટલે બધાય ક્રોકરીમાં જ ખાધું છે, કોઈ બાકી ના રહે, પછી અમારા બાક્ષાલી અથઈ કરવા વાળા પણ બેસી જાય સાહેબ, કોઈ બાકી ના રહે નથી જમ્યા તમે ત્યાં ઘરેથી ખાલી નહીં બહુ ના હવે આપ અપની અર્થી ખાલી લો। आपको अगर बोला जाए कि कांसे की थाली लो, स्टील की थाली और कांसे की थाली में चार गुना वजन बढ़ जाएगा। कांसा सॉफ्ट मेटल क्योंकि तांबे में से बनता है, लोहा नहीं, तो लोहे को पतली सी शीट निकाल कर एमएम के अंदर ला करके आप थाली बनाए और इंधन आप कांसे की गुना और वजन का। हर वस्तु के गुणधर्म आप देखिए, अब गुणधर्मों के हिसाब से क्योंकि सबके अंदर क्या मिला हुआ है, वर्णा के अंदर स्पर्श है तो वही एक्शन रिएक्शन भी तो करेंगे। आप तांबे के अंदर पानी रख के पियो, आप सोने के अंदर पानी रख के पियो, चांदी में पानी रख के पियो, हाउ मच परसेंटेज ऑफ दैट मिनरल यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट वाटर, तो वो उसके गुणधर्म असर तो करेगा कि नहीं करेगा। अब हमारा भी शरीर बनाना है तो हमारे जीव ने कैसे बनाया, वर्ण गंध रस स्पर्श से लेकर के हमने भी अपना शरीर बनाया, अब इसके वर्ण गंध रस स्पर्श हमारे में साथ में जुड़ेंगे। बिल्कुल होते हैं, बहुत होते हैं, मिट्टी में गुण देते हैं बहुत होते हैं, लेकिन आपने क्या किया, लकड़ी के ऊपर कलर लगा दिया। अब कलर लगाने से लकड़ी के गुणधर्म लकड़ी में दब गए, अब कलर जो आया तो कलर के वर्णन गंध रस स्पर्श वो आपको लेट लेट मतलब शिशु शिशु भी इसी के अंदर पृथ्वी का है, अब उसके भी गुणधर्म तो वो आकर के आपको घोष की जगह घोष करने वाला कैंसर करने वाला बन गया। अब न लगाओ तो लग रहा पानी सोच ले तो कल उसके ऊपर फूक लग जाएगी, इसलिए आपने उसको कलर लगा कर और चमका दिया। अब पुराने जमाने में गुणधर्म देख करके चलते थे, भाई चूना तो ले लो, तो चूने को दूध में घोल करके ऊपर लगाते थे, उसमें कुछ राल और चंद्र रस मिलाकर लगाते थे तो वो बिल्कुल एकदम, चलो भाई इतना चूना पेट में जाएगा तो हड्डियों को कैल्शियम मिले, बात तो इतनी थी। अब ये बड़े बड़े महात्मा जी आपकी बड़ी बड़ी आंखें की उंगलियां करते तो कैल्शियम कहाँ से लाएंगे, तो इतने शरीर को कैल्शियम जिस प्रकार का जो चाहिए तो वैसे कलर जो है पात्रे के बनाए तो उस हिसाब से बनाए। अब आज वो मेहनत इतनी करने कौन जा, इसके बजाय डब्बा खोल दिया लगा दिया जल्दी काम हो गया, इसके कारण ये केमिकल जो है हमको कैंसर कर, ईच एंड एवरीथिंग केमिकल्स भी क्या है सर, अब जिस तरह से बनाए तो उसमें भी वर्णा गंदा रस स्पर्श ही आ गया। सात लाख पृथ्वी काय की बात मत करिए, पूरे 14 लाख मनुष्य हो, 14 लाख साधारण वनस्पति काय हो या बेलन बेल हो, वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल के बिना किसी का शरीर बनता ही नहीं, बिना पुद्गल के शरीर नहीं बनता, और पुद्गल आएगा तो वर्ण गंध रस स्पर्श निश्चित आएंगे। अब आप 7 लाख पृथ्वी काय 7 लाख अब काय से लेकर के 13 डिवीजन में जितने भी आ रहे हैं सबके साथ गुणाकार करते जाओ, सिर्फ क्या होगा मूल संख्या जिन जीवों की जिस काय में रहेगी वही बदलेगी, अब उस हिसाब से गुणाकार बढ़ते बढ़ते 84 लाख हो गए। अब ये 84 लाख जीव जितने जिस प्रकार के हैं उस हिसाब से जगत के समस्त जीवों को वैसा शरीर बनाना पड़ेगा। अब वैसा शरीर बनाना है तो जीव को जहाँ शरीर बन सकता है उस उत्पत्ति योनि में जाना पड़ेगा। यह सीधा तात्पर्य योनि शब्द का अर्थ है जीव जो अपने कर्म साथ में लेकर के आया है उस
कर्म के अनुसार उस उत्पत्ति क्षेत्र में जाकर वर्ण गंध रस स्पर्श लेकर पुद्गल के हिसाब से अपने शरीर की रचना वैसे करे, उस उत्पत्ति स्थान का नाम योनि बताए। तो ये जीव यहाँ पर है, अब जहाँ सोना बनता होगा वहीं सोने के जीव जाएंगे, कोई वहां बनेगा बाकी जगह पर नहीं बनेगा। आप पूरे तेलंगाना में आंध्र में चले जाओ, कहीं पर भी व्हाइट मार्बल नहीं बने, किसी भी खदान में चले जाओ व्हाइट मार्बल नहीं बनेगा। तो यहाँ जैसा पत्थर बनता है वैसे उसकी खदान है। आप बेंगलोर की तरफ वहां चले जाओ, वहां बिल्कुल ग्रेनाइट ही ज्यादा बनता है। अब ग्रेनाइट ज्यादा बनता है तो ग्रेनाइट के साथ में आयरन कंटेंट ज्यादा, तो उसके हिसाब से वो वैसा बना। अब वहां आम रूप में लोगों को वही सस्ता पड़ता है, ग्रेनाइट के ही कॉन्क्रीट के अंदर टुकड़े करके उसी की मकान बना देते हैं। आप मकराना में चले जाओ तो व्हाइट मार्बल ही मिलेगा, उसी के बना देंगे। हम अभी पुणे से बिहार करके यहाँ तक आ रहे थे तो हमको तेलंगाना के अंदर वहां पर जो है शाहबाद की पत्नी, अब शाहबाद का पूरा यही वहां पर ऐसा है कि फर्शी वहां पर इसी प्रकार की। अब हम खदान पर गए, वहां पर देखा जमीन पर ही, जमीन के ऊपर जो लेयर निकलते हैं 2 इंच का 1 इंच का 2 इंच का 2 इंच का टुकड़े निकलते हैं, बस मिट्टी हटाते जाओ निकालते जाओ, मिट्टी हटाओ निकालते जाओ, तैयार पर्वत निकल रही होती। अब कोई इतना टुकड़ा निकल गया, कोई इतना निकल गया, कोई इतना, तो वहां के चारों तरफ के गांव के अंदर एक के ऊपर एक चढ़ा करके उसी के पत्रे बना करके घर बना दिए, ऐसे ही घर बना करके लोग रहते। अब इतना पत्थर निकल रहा, इतना पत्थर निकल रहा, अब निकलते निकलते जहां से मैक्सिमम निकल जाए वहां खड्डा हो गया, पानी भर जाएगा, बारिश आएगी पानी भरेगा, अगर पानी जमीन में उतर गया तो परकुलेशन हो गया, नहीं उतरेगा जमेगा तो तालाब बन जाएगा, तालाब बन गया तो लोग पानी का उपयोग करेंगे। मतलब जहाँ पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति, इसको लोगों ने कुदरत ऐसी संज्ञा दे दी, नेचर कह दिया, प्रकृति कह दी, महावीर ने इसको एकेंद्रीय जीव। अब एकेंद्रीय जीवों का प्रमाण संख्या में इतना अनंत है, इतने अनंत प्रमाण में है, इतने जीव जी रहे, जीवन जी रहे, अब सबका जीवन तो चले गए, अब किसके कितने दिन का आयुष्य प्रमाण में जीवन जिएंगे लोग, तो शरीर की रचना जैसी बनेगी उस गुणाकार के हिसाब से जीवों को चलना है। अब आपने ये देखा कि भाई आयुष्य के हिसाब से अब देवकाय जो है अग्नि के जीव जो है इनका ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का आयुष्य। आप इससे आगे थोड़े से आगे बढ़ जाओ, अब अगर आगे मैं पानी के जीवों में आ गए तो 7 हजार वर्ष तक इनका आयुष्य चलता है। आप अगर आ गए यहाँ से वायुकाय में अगर आ गए तो वायुकाय के अंदर 3 हजार वर्षों तक का आयुष्य वाले हैं, पानी के अंदर 7 हजार वर्षों का आयुष्य वाले हैं। आप यहाँ से जो है ये आ गए, आप इसमें वनस्पति में आ गए तो 10 हजार वर्षों का आयुष्य, और लास्ट में आते आप पृथ्वी काय में आ गए तो 22 हजार वर्षों का आयुष्य। अब है सब एक इंद्रिय, अब सबके अंदर ये काम किसकी बात चल रही, मैक्सिमम आयुष्य ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट। अब सब एक इंद्रिय होते हुए भी सबका आयुष्य कम ज्यादा अलग 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 प्रकार का है। अब हमको यूं लगता था कि पानी का ही कम से कम होना चाहिए, पानी प्रकार से लोग उत्पन्न होते हैं, तो ये आप देखेंगे जगत में तो सबका अंतर होते, कम से कम आयुष्य तो सबका अंतर हो। अब आप इन सब का देखते जाओ तो एक अंतर मूर्त में जो है कितने इनके आयुष्य बदल जाए, इतने भव अगर जीव कर ले तो पता ही नहीं चलता, कितने हो गए देख लो आप, 12,824 भव जीव जो है अंतर मूर्त में कर ले। अब वो चाहे कभी तो आपको लगेगा किसका जीव है,
और पृथ्वी काय का भी हो कोई भी हो, एक अंतर मूर्त काल के अंदर करते करते इतने भव इनके हो जाए। अब वो किस हिसाब से आप गिनती करो, जगन्य आयुष्य से गुणाकार करो तो नहीं तो ये हम उत्कृष्ट देख रहे हैं। अब मध्यकालीन देख लो आप, जो भी जिस तरह से लाकर, जैसे आपने लाया एक पत्थर अपने घर में ला करके रखा, आप सबके घर में ही हीरा मोती तो सबने ला के रखे, तो अपना अपना आयुष्य तो सबका होते है। बिना आयुष्य के संसार का एक भी जीव नहीं, बिना प्राण का संसार का एक भी जीव नहीं। 7 लाख आदि उत्पत्ति योनि के सिवाय जीवों का जन्म ही होना मुश्किल है सब। अब इसके अंदर अपनी स्वर का स्थिति के अंदर जीव आ गए तो किसी न किसी रूप में ये 500 द्वार को जीव के साथ अनिवार्य रूप में जुड़े। एनी टाइप ऑफ फिजिकल हाइट, अब शरीर की रचना जिसकी हुई है तो शरीर की रचना अलग अलग प्रकार की कैसे किसकी। देखिए इतना विस्तार जब आपको मिल रहा है तो इससे केवल ज्ञान के द्वारा, बिना केवल ज्ञान के ये सब संभव नहीं है। आप पहले समझ लो कितना हमारे ऊपर केवलियों का उपकार, कितना की शास्त्रों के शास्त्र भरे पड़े, ग्रंथों के ग्रंथ भरे पड़े, हमने कभी विचार नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, मेहनत नहीं की, उसमें से जीवों का स्वरूप समझने की मेहनत की। और आज अगर हम अभ्यास कर रहे हैं तो आप देखिए हम आए थे यहाँ पर 6 जुलाई को प्रवेश हुआ था, 6 अगस्त भी और कल 6 सितंबर है, 2 महीने तो हमको खाली एक जीवों का स्वरूप समझने में लगा। अभी 2 महीने में से पोल्यूशन वगैरह निकाल, बाकी अभी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, कल से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय का अभ्यास करते, फिर 14 इंद्रिय का अभ्यास करते, 5 इंद्रिय का अभ्यास करेंगे तो वास्तव इसी में पूरा हो जाएगा, फिर 9 तत्वों का करेंगे, 6 कर्मग्रह का करेंगे, तो 12 महीने बीत जाएंगे। लेकिन अब क्या जल्दीबाजी करें तो कैसे करें, समझे तो कैसे, जब गणित है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। अब इसमें से महावीर ये कह रहे हैं हम इसमें से ही आगे बढ़े हैं, मैंने खुद ने इतने भव किए हैं, हम सब बैठे हमने एक एक में इतने अनंत जन्म किए, और एक ही जन्म होता तो 84 लाख में हमारा हिस्सा पूरा हो जाता, सब में जाते और एक एक जन्म एक एक भव एक एक में करते हो तो सबके मोक्ष हो जाते, लेकिन हुआ नहीं ना। सिमंदर स्वामी ये सब कह रहे एक एक में अनंत भव किए तब जाकर के अनंत भव हो। अब मुझे आज इतना केवल ज्ञान नहीं है कि मैं अपने बीते अनंत भवों को समझ सकूं या याद कर सकूं, संभव नहीं। अब मैं जगत के समस्त जीवों का अभ्यास कर रहा हूं तो मैं भी तो वही भव करके निकला हूं, वही जीव आकर के वो भव कर रहे। अब आज धर्म मेरा क्या बीच में आया, यहाँ तो हमारा ज्ञान चल रहा है, अब धर्म बीच में ये आया कि मैं इनमें से कितने जीवों की कम से कम हिंसा करके जीवन जी सकूं। तो महावीर ने श्रावक जीवन के अंदर इन एकेलिय जीवों की हिंसा आप ज्यादा से ज्यादा न करें, इसमें आपको वनस्पति काय के अंदर आकर अनंत काय का त्याग तो करा दिया, कम से कम अनंत काय तो छोड़ो ताकि वैसे भव उनको दोबारा ना करना पड़े। अब यहाँ आते आते हम इन सब जीवों के अंदर आए तो श्रावक को एक एक जीवों के पहचान नहीं दिए, आप समझे। जब एक इंद्रिय जीव का पहचान नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं कि अंदर हम हिंसा कर, एक इंद्रिय जीवों की जयना पालने का धर्म दिया, यतना धर्म आप जैना पाल सको ऐसा होना। आप कितने प्रमाण में जीवों की रक्षा कर सकते हो, लेकिन जैसे जीव आगे बड़े 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 होते जाएंगे, एक इंद्रिय में से आप 2 इंद्रिय में आओगे तब जीव और बड़े होंगे, 2 इंद्रिय में से अब आप और आगे आएंगे तब 3 इंद्रिय में और बड़े होंगे, अब इसमें से आप आगे और आइए 4 इंद्रिय में और बड़े होंगे, 5 इंद्रिय में और बड़े होंगे, लास्ट में आते आते मनुष्य तक आ जाए। लेकिन आज ये परिस्थिति कि मनुष्यों के जीवों की हिंसा, भ्रूण हत्या, गर्भपात, गर्भ हत्या ये कराते कराते आज
करोड़ों की तादाद में गर्भहत्या हो रही है मनुष्य जीवों की, इंसानों की करोड़ों की तादाद। अब आप ये कल्पना कर लो कि कितने बड़े जीवों की कितने प्रमाण में हिंसा करें तब जीव जाकर कितना नीचे गिरेगा, कल्पना के बाद की बात। धर्म बाद में हम लेंगे कि हिंसा करना पाप क्यों है, हिंसा करने से पाप क्यों होता है, हिंसा करने से कर्म क्यों बनता है, प्रारब्ध पाप से कर्म कितने बनते हैं, कैसे कैसे कर्मों का बंध होता है, कितने भारी कर्मों का बंध होता है, ये जब समझेंगे तब क्या है। जब उन जीवों की हिंसा होती है उनका पाप इतना हिंसा का बड़ा है, इसलिए केवलियों ने सबसे पहले जीवों का स्वरूप हमको समझा दिया। चलो भाई अब इस तरह से पहले आप जीवों का स्वरूप समझ लो। जब तक जीव को जीव स्वरूप नहीं मानोगे, जब तक जीवों में अपनी समानता नहीं देखोगे, तब तक आप उनकी हिंसा से रुकने वाले हैं। देखो अब इन सब प्रकार के पृथ्वी काय के जीवों में बोलो मैं कौन कौन से जीव है इसके अंदर। जी विचार में जो गाता है ना जीवों के नाम को लेकर पृथ्वी काय के, एक एक बोलते जाओ। अब इनके अंदर जो प्रकार बने हैं सिर्फ वर्ण गंध रस स्पर्श के आधार पर शरीर रचना जिनकी जैसी अलग अलग बने वो पर्याय इसको दे। अव्रत जो है वो भी एक वस्तु बनी पृथ्वी का है। अब मेडिकल साइंस ने उसके गुणधर्म देखे कि जैसे नॉन कंडक्टिव मेटल फॉर not metal but it is not conducting thing for the electricity, तो वहाँ उसका अभ्रक का उपयोग ज्यादा करते हैं। अब वो अभ्रक ऐसे आ गए कि इलेक्ट्रिसिटी को उसमें से सप्लाई होना पड़ता है। हिंगुल हरिया मरसी रसिंदा ये सब अलग अलग प्रकार होते हैं। अब ये भी पत्थर है और नमक भी पत्थर सिंधा में, फिटरग्री भी पत्थर है, ब्लैक सॉल्ट भी पत्थर है, जात पृथ्वी का है कि एक पानी में पिघलता है और मार्बल को रख दो 2000 साल में नहीं पिघले। क्यों भाई साहब उसमें और उसमें क्या फर्क है? मात्र वर्ण गंध रस स्पर्श में फर्क। अब उसमें रस की मात्रा इतनी ज्यादा है और वर्ण और स्पर्श की मात्रा कम है। अब वो जाकर के नमक के रूप में बना वो पिघल जाए, लोहा नहीं पिघलेगा। तब लोहे को भट्टी में तरल करके अब उसको लिक्विड कर दिया जाए पानी की तरह, सोने को भी पानी की तरह से गर्म करके बॉइल करके चढ़ा दिया जाए तो लोहे के ऊपर सोने की परत चढ़। अब क्यों तांबा ऐसा बना, क्यों पीतल ऐसा बना, क्यों ये ऐसा बना? अब इनके अंदर जिसके अंदर जिस प्रकार के वर्ण गंध रस स्पर्श बदले और उस जीव को शरीर बनाते समय वैसे रचना हुई तब जाकर एक एक का अलग अलग शरीर बन गया। इतना अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत एक इन जीवों के बारे में और पूरे संसार के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सारा स्वरूप एक इन जीवों का। और पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति को सरकारी तंत्र पर उसको जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ले लिया है कि नहीं सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में तैयार करना है तब जो है लोगों को सुविधा दे सकेंगे। तो रोज के कितने पहाड़ टूटते हैं, रोज के कितने पत्थरों का कॉन्क्रीटकरण मतलब टुकड़े हो रहे हैं और उस टुकड़े में से कितने बन रहे हैं तब जाकर आपका मकान बनता है, तब जाकर के एक रास्ता बन रहा है। एक रास्ता बन रहा है और एक कंकड़ का टुकड़ा भी पड़ा है तो वो भी असंख्य पृथ्वी कायों के बने हुए शरीर का पिंड। मैंने कहा था आपको कि एक इतनी सी मिट्टी आप उठा लो, इतनी सी मिट्टी आपके हाथ में आए उठा लो और बोलो कि भाई पृथ्वी काय के जीवों का अगर इतनी सी मिट्टी का अगर एक एक जीव कबूतर जैसा बना दो तो 1,00,000 योजन के जम्बूद्वीप में न समाए
इतने पृथ्वी काय के जीव उसमें। अब आप देख लो, अब मिट्टी के बर्तन बनते, मिट्टी के खड़े मटके बनते हैं, तो कितने मिट्टी काय का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? या तो मिट्टी काय का उपयोग करो, या धातु के बर्तन बनाओ तो धातु काय का उपयोग करो, या पत्थर के मकान बनाओ तो पत्थर का। बिना पृथ्वी काय की विराधना के मनुष्य जीवन ही नहीं जी सकता। अब उसी के आधार पर हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन अब जीवन जो चल रहा है तो उसमें सिर्फ विवेक की मर्यादा हम कैसे लाए कि विवेक की मर्यादा के अंदर मिनिमाइज आप कितना कर सकते हो, कम से कम के अंदर आप अपना जीवन कैसे चला सकते, ये विशेषता हमको देखें। अगर इन जीवों को जीव रूप में समझते हैं तो काम, नहीं तो नहीं। आप ये देखेंगे, ये पत्थर क्यों बना और मर्क्यूरी पारा जो बना है ये क्यों कैसे बना है? अब पारा के गुणधर्म क्या है? जहरीला होता है। आप पारे की गुटी का बनाकर जिस किसी में डालो तो अनाज में जीव जंतु ना पड़े, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र के अंदर उसी पारे को कैसी प्रक्रिया करके 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 और बिल्कुल जहरीलापन उसको निकाल करके आप उसको औषधि के रूप में लोगों को खिला रहे हो। जो रस वाली बनती है वनस्पति, अब वनस्पतियों के साथ पारे के साथ वनस्पतियां बना करके लोगों को खिलाया जा रहा है। अब वो जहरीला होते हुए भी आपने शुद्धिकरण ऐसा कर दिया कि वही आपको फायदा करने वाला बन गया। ऐसी चीजों के अंदर हम जो समझ रहती है सब पृथ्वी काय के जीवों के बारे में। अब हम कल से जो है थोड़ा विषय बदल देंगे और वहाँ पर इंद्रिय वाले जीवों का विचार करेंगे। अब पूरे जगत के अंदर, दुनिया के अंदर दो इंद्रिय जीवों का प्रमाण प्रकार वो अलग अलग देखना है, फिर इंद्रिय जीवों से प्रमाण और प्रकार अलग अलग देखेंगे। संसार का पूरा ज्ञान हमको हो जाए जीव की दृष्टिकोण से।